चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और नए डाले गए वीडियो की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने SBI अकाउंट में आधार नंबर को ऐड कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर SBI नेट बैंकिंग सर्च करें, उसके बाद www.onlinesbi.com, ये जो पहली वेबसाइट आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू टू लॉग इन, यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालें। और यहाँ पे लॉग इन करें। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, अगर आप अपना आधार इसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे एक टैब दिखाई दे रही है, अपडेट आधार विथ बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर जब भी आप SBI में ऑनलाइन कुछ वर्क करते हो तो लॉगिन करने के लिए वो पासवर्ड होता है, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ता है। प्रोफाइल पासवर्ड वही है जो आपने पहली बार नेट बैंकिंग में लॉगिन किया था, तो आपने लॉगिन का आईडी बनाया था और पासवर्ड बनाया था, और ये जो प्रोफाइल पासवर्ड है दूसरा आपने सेट किया था, तो वो जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डालिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं और अगर उसको रीसेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको देखकर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर नंबर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे आधार नंबर कंफर्म कर दीजिए। फिर सिलेक्ट मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन टू लिंक आधार, अब आप किस तरह से आधार को लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम यूजिंग OTP, तो हमारा जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक OTP यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे हम यूजिंग OTP सबमिट करेंगे, और जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे डाल देना है। तो इसके बाद आपका यहाँ से आधार लिंक हो जाएगा। तो इसी तरह की खास वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।